बघेरी स्कूल में शुरू किया गया विशेष पौधारोपण कार्यक्रम। नालागढ़ उपमंडल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बघेरी में विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आरंभ प्रधानाचार्य आदित्य कंसल द्वारा किया गया। इसमें इको क्लब और NSS के बच्चों ने वन विभाग से प्राप्त पौधों का रोपण पाठशाला के बाहरी और भीतरी प्रांगण में किया। इस कार्यक्रम में इको क्लब प्रभारी शीला देवी, सह प्रभारी सुषमा देवी, NSS प्रभारी गुरदीप सिंह, सह प्रभारी रंजीत कौर के अलावा प्रवक्ता मधु ठाकुर, ओमकार सिंह, जयपाल जागर सिंह, मंजीत सिंह, रवि कुमार, मनप्रीत कौर, रणदीप और आदि अध्यापकों ने बच्चों के साथ मिलकर प्रांगण की सफाई भी की और पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने भी बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से सभी को पर्यावरण जागरूकता का संदेश। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बघेरी में आज पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम विभाग के निर्देशानुसार हमारे पूर्वी इको क्लब के विद्यार्थियों ने और हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के जो विद्यार्थी हैं इन्होंने संयुक्त रूप से किया। इस प्रकार के कार्यक्रम जो हैं हमारे विद्यालय में जो पर्यावरण संबंधित कार्यक्रम है, जल संबंधित हैं, वायु को शुद्ध रखने के हैं, कचरा निपटान के हैं, ये गतिविधियां बच्चों को नियमित रूप से करवाई जाती हैं। अभी 4 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक पेड़ मेरे स्कूल के नाम कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसको हमारे उर्वी इको क्लब की प्रभारी मैडम शीला जी और उनके साथ को इंचार्ज हैं सुषमा मैडम, ये मिलकर जो है उसका संचालन कर रही हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे NSS के कार्यक्रम अधिकारी गुरदीप सिंह जी और रंजीत मैडम, इसके अलावा हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य मैडम मधु ठाकुर जी, मंजीत सर ये जो इस मौके पर सब उपस्थित रहे, रणदीप मैडम, मनप्रीत मैडम, इन सब ने बच्चों को जो है काफ़ी सहयोग दे के इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो स्कूल में संचालित होते रहेंगे।